ही राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पलटवार। तो क्या कांग्रेस का हिंदू अलग है, बीजेपी का अलग? तो कांग्रेस बंटवारे की राजनीति कर रही चिराग पासवान की तरफ से ये बड़ा बयान राहुल गांधी के उस बयान पर जो संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर कहा था। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान को ठीक भी किया कि मैं बीजेपी की बात कर रहा था, लेकिन अब चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा है। संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं, एनडीए की आज बड़ी बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटक दलों को क्या मंत्र दिया चिराग जी आज प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जी का से मार्गदर्शन हम लोग को मिला, प्रधानमंत्री जी का अनुभव एक लंबा अनुभव है, ऐसे में तमाम एनडीए के सांसद को उनके अनुभव का लाभ मिले सोच के साथ आज इस बैठक को आयोजित किया गया। हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने कई परंपराओं की मर्यादा को टूटते हुए देखा है, जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ, जिस तरीके से कल एलओपी का संबोधन हुआ, जिस तरीके से उस संबोधन सर चाय वाला जो धर्मों की भावना आहत करने का चाय वाला भी तो बोला, धर्मगुरु ने सामने आकर उनसे अपनी असहमति जताई, हिंदू हिंसक होते महादेव की तस्वीर को इस तरीके से लहराना, इन तमाम चीज़ों ने ना सिर्फ एक बड़ी आबादी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने या चेयर को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, सदन के पटल पर तथ्यात्मक गलत जानकारी को सदन के पटल पर उन्होंने रखने का काम किया, तमाम बातों को लेकर एनडीए में भी चिंता है, क्योंकि एक गलत परंपरा की नींव रखी जा रही है, तो इसको लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आचरण मर्यादा के अनुकूल रहे, इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के हिंदू को बोला है, उन्होंने पूरी बीजेपी, ऐसा कैसा हिंदू होता है भाई मुझे बताइए? बीजेपी का हिंदू अलग, कांग्रेस का हिंदू अलग, अब ये वही बंटवारे की राजनीति नहीं है जिसको कांग्रेस दशकों से साइड की आ रही है। अब कैसे आप धर्म में बंटवारे करने की सोच रख रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदू क्या कोई अलग परंपराओं का पालन करते हैं और कांग्रेस वाले कोई अलग और देश वाले कोई अलग? ऐसा नहीं होता भैया, हिंदू हिंदू होता है। जब सनातन को आपके सहयोगी गाली देते हैं और उसको डेंगू मलेरिया से जोड़कर देखते हैं, तो उस वक्त वो हर सनातनी को वो गाली दे रहे होते हैं, उसकी भावना को वो ठेस पहुंचा रहे होते हैं, जिसपे ये खामोश रहते हैं। एक्सपंज कर दिया गया, किस तरीके से? मैं तो कह रहा हूँ उनका पूरा भाषण ही एक्सपंज होना चाहिए था भाई। भाषण में कौन सी ऐसी बात जो उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से सही कही हो या मर्यादित तरीके से सही कही हो या एक एलओपी के आचरण के आधार पर सही कही हो? मतलब शुक्रिया, चिराग पासवान मेरे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि कल राहुल गांधी ने सदन में जो भाषण दिया वो ठीक नहीं है। एनडीए की बैठक के बाद चिराग पासवान अभी निकले हैं और हमसे खास बातचीत कर रहे हैं। मोहित राज दुबे, निदर्शन, दिल्ली।